टाइम मिले और फिर बन रही है चाय। अब मैं बना लिया है राइस घर, तो मैंने यहाँ पे राइस बना लिया है टिफ़िन के लिए और नाश्ता के लिए। फ्राइड राइस जैसे ही मैंने कर लिया है, प्याज आलू वगैरह मिक्स करके अच्छे से, और फिर कभी कभी मेरा मन होता है कि राइस खाऊँ क्योंकि मुझे राइस फेवरेट है रोज़। अब जा रही हूँ नहाने, ब्रश करूँगी, फिर टिफ़िन पैक करूँगी, नाश्ता करूँगी, चाय पीऊँगी, फिर मिलती हूँ। और अक्सर सुबह सुबह इतना मैं बिजी हो जाती हूँ काम में, तो रेडी होने के बाद फिर मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ, और नाश्ता करते टाइम मैं भूल जाती हूँ कि मैं शूट करना है वीडियो। तो मैं जा रही हूँ स्टेशन ट्रेन के लिए, और ये है हमारे स्टेशन जाने का रास्ता। ये मेन रोड नहीं है, मैं सोसाइटी का जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसका रास्ता है। मैं बहुत बार दिखाई हूँ आप लोगों को, अगर आप डेली वॉच करते होंगे मेरा वीडियो तो आप लोगों को पता होगा, अदरवाइज़ नहीं पता होगा। और ये जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ था सॉरी तभी का है। और यहाँ पे बच्चे सुबह सुबह कचरा बिन रहे हैं, इनका यही रोजी रोटी रहता है बेचारे, सुबह सुबह लग जाते हैं काम पे, कुछ पैसे आ जाए इसलिए। और हम स्टेशन पहुँच गई थी और मैं जा रही हूँ, सामने ही लिफ्ट है तो मैं वहीं जा रही हूँ। ये देखो उधर सामने सब जा रहे हैं ना, तो वो लिफ्ट है। वैसे तो फिजिकल हैंडीकैप पर जो डिसेबिलिटी जो रहते हैं ना उनके लिए है, बट हम लोग भी कभी कभी मतलब ज़्यादातर तो बैठ जाते हैं। और ये मुझे ट्रेन मिल गई है, सीट भी मिल गई है, और ये एक्सप्रेस में बैठती हूँ ना मैं, फाइनली मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी शायद तब, उस दिन का ही है। और वहाँ पर मुझे फ़र्स्ट क्लास में आराम से मिल जाता है। और यहाँ पर मैं रिक्शा के लिए, घर के लिए रिक्शा पकड़ ली हूँ, और बस 2 मिनट में पहुँच जाऊँगी। मैं आ गई, आज मेरी ट्रेन लेट थी, आज मैं 8:30 बजे आई, 8:15 बजे तक घर पे आ जाती हूँ, लेकिन आज 8:30 हो गया। अब जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, सावी को चॉकलेट आई थी। चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखो आते ही इसको नेल आर्ट करना था, बोलती मुझे भी लगा दो। देखो इसको नेल आर्ट किया मैंने, जैसे तैसे ऐसे ही कर दिया सिंपल सिंपल, ये अच्छे से करवाती नहीं है ना नेल आर्ट, इसीलिए मस्ती बहुत करती है, बहुत मस्ती करती है ये, मस्ती करती हो ना बात, देखो बोल रही मस्ती करती हूँ। और ये मेरी भाभी ने बनाया है सब्जी, और फिर जैसे मैं आती हूँ घर पे फ्रेश होने के बाद, थोड़ा बाबू को खिलाती हूँ, उसके बाद खाना वाना खा के फिर वीडियो ही एडिट करती हूँ मैं, यही काम। गाइस मेरा खाना भी हो गया, अब मैं जा रही हूँ सब्जी कट करने सुबह के लिए। कुछ नया सब्जी आया है, सब में आलू आलू बोरा आलू बैंगन आलू मटर आलू, आज खाया आलू, अभी कल भी यही, इसमें आलू डालना पड़ेगा। फिर इसको बनाऊंगी आलू बोरा, इसको आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं बताना कमेंट करके। आइए देखो मेरा नेल आर्ट, नेल आर्ट मेरा, ये नाखून टूट गया, ये वाला बहुत दुख हो रहा है, ये वाला टूट गया यहाँ से, देखो इतना मेहनत से बढ़ाती हूँ। अब इसको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, मेरा नेल आर्ट पे कमेंट करना। गर्ल्स अगर आप वर्किंग गर्ल हैं या सुबह जल्दी उठना पड़ता है, नाश्ता वास्ता बनाना पड़ता है, तो कुछ काम जो है ना पहले ही निपटा लें, जैसे सब्जी काट के रख लें, जो नॉन पेरिशेबल सब्जी है वो, मतलब जो ख़राब नहीं होती है कट करके रख दो तो, और आटा गूंद के रख लें फ्रिज में, तो सुबह फटाफट 20 मिनट में आपका काम हो जाएगा, जैसे कि मेरा हो जाएगा। मैं ये ज्ञान आपको दे रही हूँ लेकिन मैं खुद डेली नहीं करती हूँ, ज्ञान देना बहुत आसान होता है लेकिन उसको क्या बोलते हैं खुद पे लागू करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार खाना खाई मैं शाम को ऑफिस से आने के बाद रात को, फिर उठने का मन नहीं करता है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो बस आज का ज्ञान यहीं तक, अब मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करूँगी, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग को, बाय बाय। सब्जी कट करके रखती हूँ, आलू जो है बटाटा पोटैटो वो मॉर्निंग में कट करूँगी तो वो ब्लैक पड़ जाता है, और ये काट के रख लेती हूँ, और फिर सिर्फ रोटी बनाना रहेगा और ये बनाना रहेगा, फटाफट तड़का लगा दूँगी बन जाएगा। तो आज तब लोग बस यहीं तक,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर। अरे हाँ, ये तो मैं बोल रही, आज मैं ना एक्सप्रेस में ना फर्स्ट क्लास रहता है जिसमें मैं आती हूँ, मैं फर्स्ट क्लास में बैठी और वहाँ से अंधेरी से मेरे स्टेशन तक मैं बैठ के आई हूँ। मतलब बैठने बहुत इजीली मिल जाता है, इसलिए अब मैं रिजर्वेशन में नहीं बैठूंगी, अब मैं फर्स्ट क्लास में ही बैठूंगी। वैसे मेरा फर्स्ट क्लास का ही पास, मुझे लगा बहुत रश होता है इसलिए मैं जाती नहीं थी। बस तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रोड में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।